किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं फिर मेरे जो मित्र हैं वो मित्र ही हो गए, मेरे जो मित्र हैं ये देखिए मेरे पास खड़े हैं। क्या नाम है? इस्माइल इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम नाम है इनका, और ये सलेमपुर गांव में रहते हैं। और मेरे एक किसान मित्र हैं धौलपुर से, प्रमोद कौशिक जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि त्यागी जी हमारे यहाँ गुड़ नहीं होता है मध्य प्रदेश में, और मेरे लिए 40 किलो गुड़ लाइए। तो मैं आज 2 क्विंटल इनसे गुड़ बोला है, जिसमें 40 किलो जो है मेरे मित्र जो है ना प्रमोद कौशिक जी का है, जो अगले माह मेरे फार्म पर आएंगे और ले जाएंगे। ये मेरा एक हॉबी है और ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा समय भी बर्बाद करने लगे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं त्यागी जी गुड़ तो मैं रात को बना दूंगा, लेकिन आपको मेरे पास बैठना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, नाश्ता करना पड़ेगा। बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप देखिए ये थोड़ी अटपटी लगेगी कि शहर में बड़े झगड़े होते हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, ये होते हैं, लेकिन हमारे गाँव में एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। मैं इनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल वातावरण अलग है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये सब झगड़े शहर में ही क्यों होते हैं, ये गांव में क्यों नहीं, हमारे गांव में कभी काम नहीं चल सकता, किसी का किसी के बिना काम नहीं चल सकता। और ये मेरे मित्र हैं, कल इसी तरह खालिद भाई के यहाँ मैं मुगल माजरा में गया था, तो उन्होंने जो मेरी खातिर तवाजे किए और जो मेरे को एक बोतल शहद की दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने लोग थे, कभी कोई वैमनस्य नहीं है, आपस में सब प्यार से रहते हैं। तो ये मेरा एक अलग, मतलब ये सोचिए कि मेरा जो उद्देश्य है कि हम सब किसान भाई हैं, हमारे में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब इन्होंने मेरे लिए नाश्ता मंगाया है, मैं नाश्ता करूँगा सुबह ही आके मैं यहाँ पर। और अब देखिए मैं इनकी बताता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अभी आप विधि कि इस गन्ने से, हाँ ये चरखी में, ये देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, ये गन्ना लगा रहा है, ये लड़का है इसमें, और ये इसमें से रस निकल रहा है, ये देखिए। अब ये रस इकट्ठा हो गया, अगर आप इस रस को पियेंगे छान कर तो बहुत ही शुद्ध रस है, ठीक है जी। इसके बाद में ये रस यहाँ पर आएगा, पहली बार आप देखेंगे ये तीन कढ़ाए हैं, 1 2 3, तो ये सबसे पहला इसमें आएगा, थोड़ा गर्म होगा। और आप देखिए ये मली उतारते हैं, ये इसकी जो गंदगी है ये सब उतारेंगे इसको, और फिर ये दूसरे कढ़ाई में चला जाएगा, इसमें इसको और मतलब साफ किया जाएगा, फिर ये तीसरे कढ़ाई में जाएगा, और तीसरे कढ़ाई से ये देखिए ये भाई जो है ना, इसमें जो अंतिम है, जो सबसे पहला है, चौथा कढ़ाया, इसमें ये उबलेगा, और उबलने के बाद जब ये पक जाएगा तो इस तरह से देखिए, इसे चाक बोलते हैं, हमारे यहाँ चाक बोलते हैं इसको, तो इस चाक में इसको ये सुखाएंगे। और अब जो मैं गुड़ खरीदने आया हूँ उसमें हाइड्रो एक मसाला होता है, वो नहीं डालते, थोड़ा रंग साफ नहीं होता है, लेकिन उसे खाने के लिए बहुत अच्छा गुड़ माना जाता है। और ये देखिए ये शक्कर है इनकी, ये इतनी बढ़िया शक्कर होती है हमारे यहाँ पे, इसे आप रख लेंगे तो महीनों तक आप इसको रख सकते हैं और खाइए, बहुत अच्छी शक्कर होती है। ये इलाका बड़ा फेमस है गुड़ के लिए, और इस जो मेरे मोहम्मद इस्लाम भाई है, इनकी चरखी बहुत फेमस है इस काम के लिए। और भी चरखियाँ हैं, किसी से ले लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हें मेरे से थोड़ा प्रेम हो गया, अब ये मैं नहीं किसी के पास जाऊँगा तो ये नाराज होंगे। तो ये देखिए ये है वो गुड़ जो मैं प्रमोद कौशिक जी के यहाँ भेजूँगा, उनके लिए ले जाऊँगा, ये गुड़ है। देखिए आप ये थोड़ा देखेंगे तो न तो लाल है, एक बात मैं और बताता हूँ, बाजार में कुछ गुड़ मिलते हैं वो गहरे लाल रंग के होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो रंग डालते हैं, थोड़ा सा रंग डाल देते हैं, जिससे लोग ये भ्रम में आ जाते हैं कि ये बिना मसाले का गुड़ है, लेकिन ये इसका असली रंग है। और जो पिछली बार मैं ले गया था वो थोड़ा सा सफ़ेद था, क्योंकि अब रस पक चुका है, गन्ना पक चुका है, और अब जितनी भी देर से, मतलब अगले महीने इतने बढ़िया और गुड़ बनने लगेंगे कि आप इसको खाइए, आप स्वादिष्ट होंगे। जो मेरे किसान भाई को, अगर किसी को गुड़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखिए, मैं आपके लिए गुड़ का प्रबंध करूँगा, बशर्ते कि आप मेरे फार्म पर आएंगे और उसे वहाँ से लेकर जाएंगे। और जब मैं, तो ये मैं करता हूँ भाई है, इनसे वो करता हूँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि अगर कोई गुड़ खरीदना चाहे तो बनाएंगे उनके लिए? हाजी बनाओगे? हाँ हाँ जी, देखो जी बनाएंगे, जितना सब मालिक हो यहाँ चरखी के, ये देखो कितना प्रेम है यहाँ पर जो है ना आपस में। ये मेरे चाचा लगते हैं नरेंद्र त्यागी जी, ये मेरे साथ रहते हैं, हमेशा आते हैं, ये इनके कार्यकर्ता हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है जो मैं आया हूँ सुबह ही लेकर इसको, जो है ना ये गांव है, बहुत अच्छा लगता है।
और मुझे इसमें इतना अच्छा लगता है कि मुझे शहर में, मतलब जो मैं इनके यहाँ नाश्ता करूँगा, चाय पीऊँगा, इतना मुझे फाइव स्टार होटल में भी मज़ा नहीं आता जितना गाँव में आता। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।